एटीएम से दिए करके लेता हूँ एटीएम में ईवीएम हमको जो बोलने आता है एटीएम से चोरी करके नेता बना है मोदी सरकार वैसा नेता नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में RJD का कमान संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, और लगातार अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तारापुर में चुनाव प्रचार करने के बाद वो कुशेश्वर स्थान में कुंज कर गए हैं और वहां पर अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ जो है उनको रोक रही है और उनका अभिनंदन कर रही है, माला पहना रही है। देखिए जैसे रंग का रहा इंतजार करते हुए 4 बजे से घड़ी के टाइम हम बैठे हुए आप 4 बजे से हम तो क्षेत्र घूम रहे थे। अब हमको ये नहीं कर देरी हो गया ना, हमको पहले क्षेत्र में सर घूमते होंगे तो घर में खाना क्या बनाएगा। 4 पुतो है हमारे, 4 पुतो है, 4 बेटा है, सब्जी दुकान है, दरभंगनी मेरा ही नाम है। इन देखे होंगे मोबाइल पर लाल साड़ी पहने हुए, हमें इंटरव्यू दिए थे, 5 मिनट टाइम मांगे लेकिन 2 मिनट नहीं दिया। चोर छिनार नेता है, चोर छिनार एटीएम से दिए करके नेता बना वैसा नेता नहीं। एटीएम में ईवीएम हमको जो बोलने आता है एटीएम से चोरी करके नेता बना है। सुनो मोदी सरकार वैसा नेता नहीं चाहिए। मोदी और नीतीश चोर, लालू हम लोग को मौका दिया, समय दिया, टाइम दिया कि तुम लोग चप्पल पहनने का मौका दिया, सबको घर तोड़ के भगा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। भागो भागो भागो, हर चीज को काट लिया है। गरीबों यहाँ रोड पर झुटकी बीच रहा है, गरीबों रोड पर झुटकी बीच रहा है। ठीक है, चलिए जिंदाबाद वासी, जिंदाबाद। तो देखा आपने, साफ तौर पर तेजस्वी यादव को एक हुजूम घेरता है, एक भीड़ घेरती है और फिर तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एक सब्जी विक्रेता है वो उनको माला पहनाती है और कहती है कि आप मेरे बेटे हैं और आपको कुशेश्वर स्थान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता है, नीतीश कुमार अमीरों के नेता है, यही बात कहते हुए वो तेजस्वी यादव से बात कर रही हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।